हे गाइस, हैप्पी ठाकुर दिस साइड। और आज का जो व्लॉग है वो मेरे घर को लेके है। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने अभी न्यू घर बनाया है हिमाचल में। और हिमाचल में आपको जैसे पता है, शुरू से हम दिल्ली में रहे और ये करीबन पिछले 5 साल से हमने रेगुलर यहाँ पे आना शुरू किया अपने होम टाउन में। और फिर मैं तो वैसे ही नेचर मुझे बहुत पसंद है, तो हमने डिसाइड किया कि हम अपना घर अपने गाँव अपने पैतृक जो हमारी ज़मीन है वहीं हम बनाएं। और दोस्तों अभी जस्ट अभी न्यू घर बनाया अभी, और मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारा घर कैसा है। और ये जो घर है हमारा, ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के तहसील हमारी ज्वाली है, जो कि बहुत ही आप कह लीजिए बड़ी तहसील है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की। और उसमें एक छोटा सा गांव है घेली, जो कि ज्वाली में जो जितने सारे गांव हैं उनसे सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। बट अपनी जो ज़मीन है, जायदाद है, अपना जो पुरखों की जो जगह है वो छोड़नी नहीं चाहिए। और इस नेचर में, मतलब आज दिल्ली में इतना पोल्यूशन है, तो हमने डिसाइड किया कि हम अपना घर यहाँ पे बनाएं। तो आज का जो व्लॉग है वो मेरे गांव को लेके है, और यहाँ पे कैसी कंडीशंस है, लोग अभी भी इतनी, मतलब जो कि इतनी डेवलपमेंट हो रही है और यहाँ पे डेवलपमेंट क्यों नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो मैं आपको उसके बारे में थोड़ा दिखाऊंगा, अपने गांव के बारे में बताऊंगा। तो आइए बने रहिए मेरे साथ, तो चलते हैं मेरे गांव के ट्रिप पे। अभी मैं आपको अपने ये घर के जो हमारा फ्रेंड है, यहाँ से मैं आपको टूर करा रहा हूँ कि कैसे कैसी होती है विलेज लाइफ, कैसी होती है हिमाचल के पहाड़ों की लाइफ। तो गाइस अभी हमारा रास्ता अभी बना नहीं है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम लोग को ऐसे जाना पड़ता है। तो ये हमारा अभी रास्ता बनाना है, यहाँ पे अभी काफ़ी काम लगेगा, पैसा लगेगा। लेट्स सी कैसे बनता है ये। तो बने रहिए आप मेरे साथ। गाइस ये अभी जो हमारा घर है, आप देख सकते हैं मेरा घर यहाँ पे है, और ये मेन रोड है, और यहाँ पे रोड की हालत देखिए। और पिछले 5 साल हो गए हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंटली विजिट करते हुए, और सिचुएशन सेम टू सेम ऐसी ही है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। और ना कोई मतलब आप कह लीजिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा है यहाँ पे, और लोगों को अपना पर्सनल व्हीकल लेके जाना पड़ता है। बट ऐसे रोड की हालतों में कई बार रात में लोग गिर जाते हैं, तो बहुत ही, मतलब आप कह लीजिए कंडीशन यहाँ की बहुत ही ख़राब है। तो अभी मेरे यहाँ जो है, मेरे पुराने घर हैं जहाँ हमारे पैतृक घर हैं ऊपर की तरफ हैं, तो मैं आपको वहाँ का भी दिखाऊंगा। तो अभी चलते हैं मेरे साथ। सो गाइज अभी हम घर से निकल गए हैं, मैं और मेरी सिस्टर येरी। तो अभी हमें मार्केट जाना है, तो पर मैं मार्केट जाने से पहले अपना जो पुराने घर है वो भी मैं आपको आपको दिखाऊंगा यहाँ पे कि हमारे पुराने घर किधर हैं। तो आइए टूर पे चलते हैं, मेरे साथ बने रहिए हम दोनों के साथ। गाइज़ अभी हम मार्केट की तरफ जा रहे हैं। तो जो ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे दो रोड जा रहे हैं, जो ये रोड जा रहा है ये टूटा फूटा, यहाँ पे गाड़ी जाने में बहुत दिक्कत है। ये हमारे पुराने घर जाते हैं, हमारे जो पैतृक घर हैं, और ये हमारा मंदिर शिव जी जी का। और ये जो रोड जा रहा है ये ध्योवा की तरफ जा रहा है, जैसे कि आप ध्योवा जानते हैं, ये अभी जो पुलवामा अटैक हुआ था उसमें हमारे ध्योवा गाँव से भी एक शहीद तिलकराज जी थे, और ये हमारे घर से 1 किलोमीटर दूर पे ध्योवा है। तो इस रोड पे जा रहे हैं, आप देख रहे हैं, अब आपको इन रोड की हालत दिखाएंगे हम कि कैसा रोड है। तो चले रहिए हमारे साथ, बने रहिए आप। तो गाइस यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत ही धीरे धीरे चला रहा हूँ, क्योंकि रोड की हालत बहुत ही दयनीय है। और ये ऐसे पूरा जो ज्वाली से आगे बंडेरू आता है, बंडेरू से ही इधर वाला पूरा रास्ता ऐसा ही है, और इस वजह से लोग अपनी जो ये पैतृक घर हैं ये छोड़ रहे हैं, बार बार जाके रेंट पे रह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की बहुत दिक्कत है। और मुझे समझ नहीं आता कि ये जो, मतलब इतनी अच्छी डेवलपमेंट हुई है हमारी भाजपा सरकार ने जो करी है, तो यहाँ पर पता नहीं क्यों नहीं करती, क्योंकि 5 साल हो गए लगातार आते हुए, कंडीशन एकदम वैसी की वैसी ही है, बहुत ही ख़राब है। ठीक है, ऐसे रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है रात में, तो गाइस यहाँ बहुत देख के आना पड़ता है, कई लोग गिर जाते हैं।
फिर उनकी टांगे वगैरह एकदम ये अभी कुछ दिन पहले ही बनाया, वहाँ यहाँ तो गाड़ी भी नहीं मुड़ती थी, बहुत ही मुश्किल। सो गाइस, हम लोग मार्केट से आ चुके हैं और अब हम घर की तरफ जा रहे हैं। हमारे घर नीचे की तरफ है यहाँ, तो आगे का जो व्लॉग है हमारे घर का, हमारे गांव का, घेली का, वो कंटिन्यू रखेंगे और यहाँ के जो स्थानीय निवासी हम उनसे भी बात करेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिए। सी यू गाइस। गुड मॉर्निंग गाइस। सो सुबह हो चुकी है, कल थोड़ा लेट हो गया था और मैं कल वैक्सीन लगवाई थी मैंने, तो इस वजह से मैं आपको पुराने जो हमारे घर है वहाँ का मैं आपको टूर नहीं करा पाया। तो अब चलते हैं, आज मैं आपको दिखाऊँगा हमारा जो घेली है और ये जो हमारा गाँव है वो कैसा है, हम लोग किधर है हमारा घर, हमारे पुराने घर हमारे कहाँ पे हैं, और हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं अब उनसे भी मिलवाऊंगा, वो आपको दिखाऊंगा मैं, और जो हमारे यहाँ के गांव के लोग हैं उनसे भी बात करेंगे कि उनको यहाँ पे कैसा लगता है और उनसे बात करेंगे। तो आइए मेरे साथ बने रहिए। तो बस अब जाने को हैं तैयार, चलो पुराने घर हम चलते हैं गाइस। तो गाइस, ये जो सड़क है, जैसे कल मैंने आपको दिखाया था, ये रास्ता धोया हुआ जाता है और ये सड़क जो है ये हमारी पुराने घरों की तरफ जाती है ये, और ये आप देख सकते हैं यहाँ की सड़कों के हाल देख सकते हैं। और ये मेरी सिस्टर है, कजन सिस्टर मशु। कौन है? मशु से हाय। हाय। ये यूट्यूब वीडियो शूट हो रहा है। अच्छा। तो गाइस, ये हमारा जो घर है ये पुराने घर, इधर जाते हैं, तो चलते हैं मेरे साथ आगे। तो गाइस, अभी हम जो हमारे पुराने घर हैं उनकी तरफ जा रहे हैं, तो अपनी जगह से जुड़े रहना, मैं अलग ही मज़ा आता है। तो हिमाचल बहुत सुंदर है, बस यहाँ की थोड़ा अगर ट्रांसपोर्टेशन और थोड़ा अगर गवर्नमेंट अगर थोड़ा अच्छा विकास कर जाए तो लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अभी मैं वो अपने पुराने घरों की तरफ जा रहा हूँ, मेरे साथ आप बिल्कुल बने रहिए, बहुत मज़ा आने वाला है। सो गाइस, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट मैं लेके आऊँगा, और बने रहिए। गाइस, बहुत बुरा हाल होता है सड़कों का यहाँ पे, और इस गांव की मैं खासियत बताऊं कि इस घर में, इस गांव के हर एक घर में कोई ना कोई सीना में अवश्य है, ज़रूर है, पुराने टाइम से लेके दादा परदादा के टाइम से यहाँ पे, मतलब देश की सेवा हर घर में किसी ने ज़रूर करी है। तो गाइस, अभी इधर से हम ऊपर, बस बहुत नज़दीक आने वाला है, ये जो ऊपर वाला घर दिख रहा है ये मेरे सबसे बड़े ताऊजी हैं, उनका घर है, और इधर से अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे हमारे पुराने घर हैं। गाइस, ये हमारी पुराने घर आ चुके हैं, ये रहे मेरे दादाजी, कजन दादाजी, और कुछ नहीं दादाजी। तो ये पुराने घर हमारे शुरू हो गए हैं, गाइज़ ये हैं हमारे पुराने घर। पहले ऐसे कच्चे घर होते थे, ऐसे हमारा रूम हुआ करता था, और यारी मेरी चाची जी।
तो गाइज मैं अभी अपने पुराने घर में आ चुका हूँ और ये रही मेरी दादी माँ। तो इनका नाम है हुक्मी देवी और करीबन ये 93-94 प्लस होंगे। और ये देखिए हमारे पुराने घर, पहले ऐसे कच्चे हुआ करते थे। और गाइज ये मेरी सबसे छोटी चाची जी, दादी जी इन्हीं के साथ रहते हैं। और ये देखिए हमारे घर। तो आगे हम अभी बात करेंगे सबसे, मैं आपको मिलवाऊंगा। गाइज अब मैं, मेरे साथ हैं मेरे दादाजी यहाँ पे, तो उधर मैंने आपको दिखाया था, तो आइए इनसे बात करते हैं। तो दादाजी थोड़ा अपना नाम बताएंगे। ज्ञान सिंह जी हाँ जी, तो दादाजी आपको इधर गेली में मतलब क्या कैसा लगता है? कोई सुविधा नहीं, अच्छा कोई सुविधा नहीं। सड़की सड़कों ने खोले भी हो, कोई बनाने वाला नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई साड़ी सुनाई तो गाइज ये कह रहे हैं कि यहाँ नहीं। पे जो सड़कें हैं ना उनकी मतलब बिल्कुल ही बहुत दुर्दशा है और कोई सुनवाई नहीं होती यहाँ पे। जेड़े नेते ने बनाए उसे अपने ढिड्डा पर रह दे, इतना साड़ी कोई सुनाई नहीं। तो इनको नेताओं जी से बहुत आ शिकायत है और सही बात दुकान भी है। दुकाना दुकाना था पा, कोई कुटराव नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं। रुपये चीज 2 रुपये मिला दी, तो महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है बड़ी ज्यादा। और यहाँ पे मतलब ये भी है कि जैसे ट्रांसपोर्ट का बहुत दिक्कत है, टैक्सी हाँ करनी पड़ती है, हाँ तो बहुत ज्यादा उसकी किराया बहुत है ज्यादा। कना बांदरों का बड़ा भारा जुआड़ा, साकी का बांदर नहीं दिंदे कुदे किरना फिरना, कख नहीं फसलां छटा दे। जिमें ने किसान आदमी हां, असां क्या कमाई सकने हैं बुढ़े होइए। तो गाइज यहाँ पे जो विलेज है, इस विलेज को लोगों ने बिल्कुल ही, इस गवर्नमेंट ने बिल्कुल ही मतलब निग्लेक्ट कर दिया है। आके हैं बंदरों को इधर जंगलों में छोड़ देते हैं और बिल्कुल मतलब यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं बहुत ज़्यादा उनको दिक्कतें हैं। अभी पीनी चाह तो गाइज अभी मैं यहाँ पे ताऊ जी के पास आया हूँ। ये वरिष्ठ नागरिक हैं प्लस सेना से मतलब पूर्व सैनिक हैं। तो अब इनसे बात करते हैं। ताऊ जी थोड़ा अपने बारे में बताएं, अपना नाम और आपको यहाँ पे क्या समस्या, कैसा लगता है गेली में, मतलब क्या आपके कुछ अपने विचार रखें? मैं 1988 में पेंशन आया था, तो आज तक मुझे 34 ईयर हो गए हैं यहाँ आए हुए, लेकिन यहाँ पे कोई रास्ते की सुविधा नहीं है। सड़क बनी थी तो वो सड़क जो है वो 1 साल तक ठीक चली, उसके बाद आज बनी हुई कोई 6 साल हो गए हैं, उसमें तो आना जाना मुश्किल हो गया है। कोई देखिए भी गाड़ी वाले जो हैं वो गिरते हैं, बड़ी मुश्किल से एक जगह से दूसरी जगह हम पहुंच सकते हैं, तो बहुत मुश्किल है। बच्चे जगह जगह छड्डे हो, और मेरे 2 लड़के हैं, एक आर्मी में है और एक कंपनी में है, और यहाँ पढ़ने की सुविधा कोई नहीं है। अच्छा ट्यूशन नहीं मिल सकता, तो हमें वो क्वार्टर लेकर के, हमने एक जोड़ में है आर्मी स्कूल में उधर छोड़े हुए हैं, और एक बड़ी बहू जो है वो दराना में है उधर छोड़ी हुई है, ताकि वो मेरे बच्चे जो हैं वो अच्छी शिक्षा ले सकें। तो दोस्तों कहने का मतलब यही है कि जो मेन जो प्रॉब्लम है वो है सड़क की, क्योंकि सड़क नहीं होने की वजह से यहाँ पे टैक्सी वाले बच्चों को लेने नहीं आते, इस वजह से बाहर रहना पड़ रहा है क्वार्टर लेके। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही है, रास्ता नहीं है, कोई आता नहीं है, तो गाइस गाड़ी भी नहीं आती यहाँ पे। बहुत बड़ी समस्या है ये। तो इस वीडियो को आप जितना ज़्यादा यहाँ शेयर पर करेंगे तो भला होगा हम सब के लिए, और प्लस जो यहाँ पे जो लोग बाहर जा रहे हैं उनके लिए मतलब एक रास्ता खुलेगा ताकि वो यहाँ पे रह के अपने परिवार के साथ रह सकें। तो गाइज अभी यहाँ पे ताई जी मिले हैं, ये अभी अपनी गाय और बछड़े को यहाँ पे घास वगैरह खिला रहे थे। तो आइए मैंने अब इनसे भी बात करते हैं। तो ताई जी, तो हाँ बता कि आप बताइए कि इधर आपको क्या क्या समस्याएं का सामना करना पड़ता है और यहाँ का जीवन कैसा है और क्या क्या यहाँ पे मेन समस्या क्या है यहाँ की? 70-70 साल साड़ी उम्र हो गई, साकी कोई भी सरकार ने साकी एक रोड दिता, पर साकी जनी की बीकले वाला बनाए कि नहीं दिता। ओहो बीकले जड़े न साड़े सब साड़े जड़े न सब घर खड़े, कने खड़े च सब बुरा हालत मंदे ध्याड़े। तो गाइस ताई जी कह रही हैं कि 70 साल हो गए, एक सड़क तो दे दी है लेकिन वो सड़क ऐसी है जिसमें कोई व्हीकल नहीं चल नहीं चल सकता सकता, और वो जो हमारे जो व्हीकल्स हैं वो बूटे नहीं ऐसे। चल सकते, हाँ जी हाँ जी खड्डे पे ये बिल्कुल नाले पे ये बिल्कुल कैसे जाइए। तो बिल्कुल इतने टाइम असि कढे तो साढ़े वास्ते मिनिस्टर और मंत्री बड़े, कोई
कोई भी साड़ी सुनाई नहीं कर सकते। आंदे वोटा की बारी आंदे साकी नहीं पता। बड़े बड़े मंत्री जड़े ना उन्होंने तो जवाब लैन, जड़े छोटे MLA न उन्होंने तो जवाब लैन के क्या काम किया। अस उन्होंने पुकारे साकी जवाब नहीं दिया उन्होंने ना साड़ी सुनाई की। तो ताई जी कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होती, इन्होंने पूरी कोशिश करी है यहाँ पे MLA वगैरह बड़े बड़े जो भी यहाँ के नेता हैं सबके पास इन्होंने अपनी आवाज़ पहुँचाई है, पर सब ने इनको इग्नोर किया है और पूरे गांव का जो रोड है वो एकदम इन्होंने दरकिनार किया है। तो गाइस थैंक यू ताई जी, धन्यवाद। तो गाइस अभी हम यहाँ पे हैं, हमारे साथ ये क्यूट क्यूट से बच्चे हैं जो कि स्कूल के स्टूडेंट्स हैं। तो अब हम इनसे जानेंगे इनके बारे में और इनको यहाँ पे कैसा लगता है इनका गांव और इनको क्या क्या समस्या आती है और कैसे कैसे ये पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप बताइए अपना नाम, नाम बताइए क्या नाम? नाम तनिका है। हाँ जी। ये कामना और ये गौरव है। ओके। मैं 11th क्लास में हूँ। हाँ जी। ये 10th में और ये 5th में। ओके ग्रेट। हम लोग सुबह जाते हैं बट पैदल जाना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर टैक्सी वाले बहुत कम मिलते हैं। ओके। अगर यहाँ से आप जवाली भी जाओगे तो भी आपको पैदल ही जाना पड़ेगा क्योंकि रास्ता भी खराब है, इसकी वजह से जाना भी नहीं मिलता। और शाम को हमने ट्यूशन रखवाई है तो उससे भी हमें पैदल आना पड़ता है। तो ज्वाली तो यहाँ से काफी दूर है, मतलब बहुत मुश्किल है। और जो ये दराना भी आई थिंक 6-7 किलोमीटर ये है। हमारे मिलाकर 7 किलोमीटर है। 7 किलोमीटर तो 7 किलोमीटर डेली जाना है ट्यूशन के लिए भी। ट्यूशन के लिए भी, उसके बाद भी शाम को पैदल आना। मेरे को 3 बजे छुट्टी होती है ना, तो उसके बाद मेरी ट्यूशन होती है तो मैं को 6 बजे में घर पहुंचती हूँ। तो गाइस देखो मतलब 11th क्लास में पढ़ रहे हैं और आप देख ली कितनी ट्यूशंस होती हैं और इनका स्कूल होता है, तो इनको ट्यूशंस में मतलब 7 किलोमीटर जाना 7 किलोमीटर आना पैदल। तो आप देख लीजिए मतलब फिर भी यहाँ के मतलब बच्चे देखिए और स्टडी में इतने अच्छे, इतने हार्डवर्क करते हैं। तो इट्स अ सीरियस कंसर्न कि जो रोड नहीं है, मतलब पहली बात तो यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट होना चाहिए ताकि, क्योंकि अगर किराया भी अगर टैक्सी भी करके जाता है पहली बात तो टैक्सी वाले यहाँ को आने को रेडी नहीं होते और आते हैं तो पैसा मनमाना पैसा मांगते हैं। रास्ते खराब है उसकी वजह से बहुत, मतलब बोलते पैसे दो तो ही होगा क्योंकि रास्ते खराब है, उनकी गाड़ियों को कुछ हुआ तो इसके लिए, उससे लिए, इसके लिए भी जाते हैं। तो गाइस वही बोलूंगा आप इस वीडियो को आप जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे ताकि इन बच्चों की आवाज भी, जो हमारे बड़े बड़े नेता हैं जो कि हमारी बहुत अच्छी सरकारें हैं, ठीक है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा भाजपा गवर्नमेंट से चाहे कांग्रेस सरकार हो जो भी जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं, ताकि वो इस जो हमारी जो ये हमारा गाँव है घेली और यहाँ पे इनके जो पिताजी हैं वो खुद, आपके फादर भी आर्मी रिटायर्ड हैं, इनके जो दादाजी हैं वो कैप्टन हैं, कैप्टन रिटायर्ड हैं। तो इस गाइस इस पूरे गांव में हर घर में एक फैमिली आपको आर्मी से मिलेगी, लेकिन फिर भी यहाँ का ये हाल है। तो थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच। सभी हमारे साथ एक और युवा हैं, अब इनसे जानेंगे हम कि इनको कैसी कैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है यहाँ पे घेली में। तो आपका नाम और आप अपने बारे में बताएं कि आपको क्या क्या कैसा लगता है यहाँ का जीवन। मेरा नाम मनीषा है और मेरी स्टडी जो है वो कम्प्लीट हो गई है और अभी जो मैं सोच रही हूँ कि जॉब करना चाहती हूँ, बट हमारे यहाँ पे रोड की प्रॉब्लम से मैं कहीं जा नहीं सकती क्योंकि गाड़ी वगैरह का कोई साधन नहीं है आने जाने के लिए, तो फिर जॉब तो इस कारण मुझे घर रहना पड़ रहा है। तो गाइस और मैं घर नहीं रहना चाहती, मेरी भी कुछ ख्वाहिश है कि मैंने भी जॉब करना चाहती हूँ। और जो हमारा जो रोड है वो 6 साल से रिपेयर नहीं हुआ है तो हमें काफ़ी दिक्कत है और गाड़ी कहीं भी जाना हो तो गाड़ी करनी पड़ती है। तो गाइस वही है कि मतलब पढ़ाई होने के बाद भी, इनकी स्टडी कंप्लीट हो गई है उसके बाद भी इनको घर पे रह के मतलब जॉब नहीं कर सकते क्योंकि घर वाले अलाउड नहीं करते हैं क्योंकि दूर होता है और जंगल का रास्ता है, रोड अच्छा सही नहीं है। तो गाइस ये बहुत ये बड़ी समस्या है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और यहाँ की जो समस्याएँ हैं वो नेताओं तक पहुँचे और यहाँ का जो हमारा जो घेली की जो रोड है वो बने ताकि हर कोई अपना सपने पूरे कर सकें, जैसे ही अपनी जॉब कर सकें, बच्चे पढ़ सकें। तो धन्यवाद गाइस, थैंक यू। सो गाइस यही मेरा जो व्लॉग है वो मेरे गांव का वो ख़त्म होता है। तो यहाँ पे मैंने अपना आपको गांव दिखाया और जो यहाँ की जो लोग हैं, जो मुश्किलों भरा जो उनका जीवन है वो मैंने आपको दिखाया, उनको क्या क्या समस्या है। तो गाइस अब जैसे सोशल मीडिया की इतनी पावर है तो प्लीज़ इस जो गांव की जो समस्या है, जो कि आप रोड कह लीजिए सबसे, मतलब जो भी समस्या है सबका एक ही प्रॉब्लम निकल के आई है जो कि है रोड। तो गाइज इस वीडियो को आप जितना से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि वो हमारी हेल्प होगी। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और आपको हमारा गांव कैसा लगा ज़रूर आप कमेंट करके बताइए। तो प्लीज़ गाइज लाइक शेयर एंड कमेंट, थैंक यू सो मच।